राजधानी दिल्ली में रविवार के बाद हुई हिंसा अब थम गई है। बुधवार को दिल्ली में हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं हुई, लेकिन शहर में अभी भी अजीब सी शांति है और हर किसी को आशा है कि दिलवालों के दिल्ली में अमन जल्द ही लौटेगा। दिल्ली में हिंसा में हुई मौतों का आंकड़ा बढ़ गया और गुरुवार सुबह तक 34 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हाई कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र और राज्य सरकार एक्शन में आई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर दिल्ली की सड़कों पर उतर लोगों से बात की और उन्हें भरोसा दिलाया। दिल्ली हिंसा और उसके बीच हाई कोर्ट के जस्टिस के हुए ट्रांसफर के मसले पर कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है। कांग्रेस के बड़े नेताओं के बाद अब पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि ऐसा लग रहा है कि देश में न्याय करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। रणदीप सुरजेवाला बोले कि भाजपा के विषैले और भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ सुनवाई कर रहे दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज S. मुरलीधर को रातों रात तबादला कर दिया गया। कांग्रेस नेता ने इस घटना की तुलना हिट एंड रन केस से की। दिल्ली हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। गुरुवार सुबह गुरु तेग बहादुर अस्पताल की ओर से नया आंकड़ा जारी किया। अस्पताल के अनुसार अब तक दिल्ली हिंसा में 34 लोगों की मौत हो गई। हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर होने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए। राहुल ने अपने ट्वीट जस्टिस लोया को याद की और लिखा कि बहादुर जज लोया को नमन, जिनका ट्रांसफर नहीं किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर होने पर प्रियंका गांधी ने सवाल खड़े किए। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आधी रात में जस्टिस मुरलीधर का तबादले से हैरानी हुई, सरकार न्याय का मुंह बंद करना चाहती है। दिल्ली फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक हिंसा प्रभावित क्षेत्रों से 19 फोन आए। इस दौरान 100 से अधिक फायरमैन को मदद के लिए भेजा गया। दिल्ली के मौजपुर इलाके में जहां पर सबसे पहले हिंसा भड़की थी, उस जगह अब सब कुछ शांत होने लगा है। यहां पर वाहनों का चलन बढ़ने लगा है, हालांकि अभी भी सुरक्षा बलों की भारी तैनाती है। उत्तर पूर्वी इलाके में 3 दिन तक उपद्रवियों ने तांडव मचाया और कई इलाकों में आगजनी, पत्थरबाजी, लूटपाट की घटनाएं सामने आई। अस्पताल की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली हिंसा में अभी तक 28 मौतें हुई हैं। इनमें 26 मौत गुरु तेग बहादुर अस्पताल और 2 LNJP अस्पताल में हुई। इसके अलावा घायलों की संख्या 150 से अधिक है। दिल्ली हिंसा पर बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े किए। कोर्ट की फटकार के बाद पुलिस एक्शन में आई। कोर्ट की फटकार के बाद पुलिस एक्शन में आई और अब तक 18 FIR दर्ज की गई। 106 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। हाई कोर्ट ने इस दौरान BJP नेता कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा के बयानों को अदालत में चलवाया। हिंसा के माहौल को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया। उत्तर पूर्व इलाके के सभी स्कूल बंद रहेंगे। वहीं CBSE की गुरुवार को होने वाली परीक्षा भी रद्द कर दी गई। हिंसा के 3 दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्टिव हुआ और अब तक दिल्ली की सड़कों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती को बढ़ा दिया गया। दिल्ली में अब 45 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात की गई। दिल्ली के चांदबाग, गोकुलपुरी, मौजपुर, जाफराबाद इलाके में अभी भी भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। दिल्ली की हिंसा पर कांग्रेस पार्टी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर है। बुधवार को खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मीडिया के सामने आई और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हिंसा का जिम्मेदार बताया। अब आज कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेगा, साथ ही राष्ट्रपति से मुलाकात भी करेगा। कांग्रेस के हमले पर भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर है। बुधवार को ही BJP की ओर से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस को जवाब दिया और 1984 का दंगा याद दिलाया। BJP ने आरोप लगाया कि इस वक्त शांति का संदेश देने का समय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी राजनीति करने में लगी है।